शादी क्या बन जाए। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आज खाना इतना अच्छा बना है कि सबकी बोलती बंद हो गई है। कौनों को खाने से कौनों शिकायत नहीं है, है ना, इसलिए सब लोग चुप्पे चाप खा रहे। हमको मालूम है कि तुम लोग क्या सोच रहे हो, लेकिन ये बात जान लो कि जौन हम किए ना वो सही है। अरे जब प्रतिज्ञा अपने परिवार का साथ बुरे वक्त में दे सकती है तो हम काहे नहीं दे सकते अपने परिवार का साथ। अरे हम भी तो बेटी हैं वो घर की, तो हमको भी तो बेटी का फर्ज अदा करना था तो हम किए। और ये बात जान लो कि हमारा साथ ना कौनों ने दिया ये घर से। देखो कोमल, एक तरफ प्रतिज्ञा यहाँ सच के लिए लड़ रही थी और दूसरी तरफ तुम गलत का पक्ष लेकर उन लोगों के लिए लड़ रही हो जिन्होंने वो सब किया है जो तुम अच्छी तरह से जानती हो। ये बात कहने से कौनो मतलब नहीं बदल जाएगा, और अपनी बात कहने के लिए ना सही गलत का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अरे असली बात तो होती है कि परिवार का साथ देना जो हम दोनों ने किया। घर में हर कोई को हर बात पे बक बक करने का ना बहुत शौक है, बस बहाना मिलना चाहिए फिर सब के सब प्रोफेसर बन जाते हैं। माँ अभी शांत हो जाइए, इस वक्त आप कोमल से कुछ भी कहेंगी उसके समझ में नहीं आएगा, वो गुस्से में है। आप खाना खाइए। अरे हमको समझ नहीं आएगा, हम तो पागल है ना। बस ये परिवार के लोग सही है, बाकी सब पागल। पानी को पी। कृष्णा, हम
हम ऐसा नहीं चाहते थे कि ऐसा कुछ भी हो। हमारी वजह से तुम्हें कितना कुछ सहना पड़ा, हम ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। हम तो बस इतना ही चाहते थे कि केसर दीदी को न्याय मिल जाए। हमें माफ कर दो। अरे बस बस कर बो बेटा बस। ये काहे तुम काहे इतना रो रही हो, तुम काहे टेंशन नहीं पड़े हो, तुम हैं क्या परेशान है? देखो देखो रोना बिल्कुल बंद, बिल्कुल नहीं रोना, हाँ बिल्कुल नहीं रोना। अरे तू तो हमार बहादुर बच्चा है, एकदम बब्बर शेर है तू, बब्बर शेर। अरे महाराज हमरे शांत हो जाओ, शांत हैं। इधर फिर हैं ऐसे। हाँ तुम जानते हो हमको आंसू से कितनी नफरत है, तो तुम का है मतलब हैं? एकदम अच्छा बच्चा तो एकदम बाबू है हमारे, बाबू है ना बाबू, फिर क्या रोता है? ये कौन साहब, कौन से नाम से बुला रहे हो? अरे हमरी हमरी मर्जी। अरे हमने तो ऐसे पता नहीं कितने नाम और सोच के रखे हुए हैं, और ये तो काय कि हमारा हक है ना। अब देखो घर में सब हमको क्या बुलाते हैं, बाबा। तो तुम क्या हुई, बाबा की बाबू हुई कि नहीं? तो इसलिए हम तुमको कह रहे हैं बाबू। और वैसे भी तुम तो बहुत है मर्दाना औरत हो, अरे एकदम शेर हो शेर। हाँ का तुम्हारे सामने तो कौन हो ले, तुम तो ऐसे जाके भिड़ जाती हो। अरे हम तो सोचते हैं हमारी कितनी अच्छी किस्मत है, वाह। जानती हो का शादी से पहले हम हमेशा यही कहते थे, अम्मा को सबको यही कहते थे कि बस हम शादी करेंगे तो शेरनी से करेंगे, देख लियो। अरे हमको क्या पता था कि ऊपर वाला जो है वो कान में तेल डाल के बैठा हुआ हमारी बात सुनने के लिए। लो सुन लिया हमारी बात, तुमको डाल दिया हमारी झोली में। हे प्रभु धन्य हो, वाह क्या बात, सही कह रहे ना। ऐसे क्या देख रहे हो, का मतलब शेरनी बोल दिए तो का खा जाबो का हमको है? ऐसे ही आपका है कि बहुत हुई गवार रोना धोना, समझो। अब एक काम करो, जाओ और जाए कि हमारे लिए दूध का इंतजाम करो। वो का है कि रात जागना ना कोनो आसान काम थोड़े, क्यों? और हम तो तुमको पूरी रात जगाएंगे। का जाओ जाओ। सर बच्चा चाहिए कि नहीं तुमको? हम्म, अरे कुछ बोल बो, अम्मा अम्मा सुनना है कि नहीं? हम्म, ये तो हर औरत का सपना होता है, पर अभी सब कैसे, अभी इतना कुछ हुआ है, हम इसके लिए अभी तैयार नहीं। कौनो बात नहीं, हम तो ऐसे ही कह रहे थे, अब कोनो राक्षस थोड़े हैं कि अब ये भी ना समझे। आप कहीं जा रहे हैं का? जा रहे हैं,
हमका पूछा के तो नहीं चाहिए, बाकी आप कहाँ जा रहे हैं? वो कहा है कि तुम भी अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हो ना, और तुम्हारे शरीर की हालत भी अभी ऐसी है कि तुमको बहुत ही आराम की जरूरत है, इसलिए हम अपना इंतजाम बाहर ही कर ले ताकि तुमको कोई परेशानी नहीं हो। इंतजाम? कैसा इंतजाम? हम कुछ समझे नहीं। नहीं नहीं, हम कह रहे थे कि इसमें समझने वाली कुछ बात ही नहीं है, बस बाहर जा रहे हैं, खाना पीना खाएंगे और वापस आ जाएंगे। शक पकाने की कोनो जरूरत नहीं है, काहे शंका करके परेशान हो रही है। हम तुमसे कब्बो झूठ बोले हैं का? इसलिए तुम आराम करो, हैं? इतनी रात को कहाँ जा रहे? दीदी, कहीं दीदी को तो कुछ? दीदी आप ठीक तो है ना? अच्छा शक्ति भैया इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं? कायना की हमारी दवाई खत्म हो गई थी, वही लेने गए हैं, बस आ जाएंगे अभी। शक्ति भैया दवाई लेने के लिए, वो भी इतना सच दर्ज कर? ये सब छोड़ो ना प्रतिज्ञा, तुम हम तुमको बताए रहे वो सचमुच बहुत बदल गए हैं, अब हमसे बिल्कुल ठीक से बात करते हैं, पहला जैसे नहीं रहे। सच में जौन कुछ भी हुआ है ना प्रतिज्ञा, इनको उनका बहुत बुरा लगा है, अपनी गलती महसूस हो रही है इनको, और वो हमारी कसम खाई के बोले हैं कि अब कब्बो ऐसा नहीं करेंगे, कब्बो हम पे हाथ भी नहीं उठाएंगे। हम भी यही चाहते हैं दीदी, भगवान करे ऐसा ही हो। हाँ प्रतिज्ञा, जब पति सुधरना चाहता है, अपनी गलती मान रहा हो, तो पत्नी को भी ऊपर भरोसा कर एक मौका तो देना चाहिए ना। प्रतिज्ञा बन जाए।